ये भी मंदबुद्धि वालों के लक्षण है। संवेदात्मक रूप से स्थिर अचानक इंसान की योनि ईश्वर ने लिए और कुत्तों की योनि का प्रवेश हो जाता है अचानक से, ये भी मंदबुद्धि वालों के लक्षण है। तो ये इस तरह से दौरे पड़ना, बार बार दौरे पड़ना, अचानक पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, अधिगम साथ होने की हो, दौरे पड़ना, ये दौरे पड़ना भी कौन से बालक के लक्षण होते हैं? मंदबुद्धि के। सीधा प्राइस मंगोल जाति के लोगों के समान हो जाता है, चौड़े चौड़े चपटे चपटे से माथे होते हैं, मानसिक रूप से मंदबुद्धि होते हैं। ये बालक कैसे बालक कहलाते हैं? मंदबुद्धि। इस मानसिक मंदता को क्या बोला जाता है? ऐसे चौड़ा चौड़ा चपटा चपटा माथा हो जाएगा और मानसिक रूप से ये बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। दूसरा होता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म में जो बच्चे की लंबाई होती है वो मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट तक बढ़ती है और ऐसे बच्चे भी मानसिक रूप से मंदबुद्धि होते हैं। हाइट बच्चे की मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट तक बढ़ती है और क्रेटिनिज वाले बच्चे भी मंदबुद्धि माने जाते हैं। तीसरा होता है माइक्रोसेफेली। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। तो सिर का आकार सामान्य आकार से छोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली। बोलो क्या बोलते हैं? माइक्रोसेफेली। जैसे कि एक नॉर्मल, अगर हम सिर का साइज का बात करें तो जो नॉर्मल सिर के साइज होता है वो इतना होता है और ये जो मंदबुद्धि वाले होते हैं माइक्रोसेफेली मानसिक मंदता के जो शिकार होते हैं बच्चे, इनका नॉर्मल से बिल्कुल छोटा सा पतला सा सिर का साइज होता है, मैक्सिमम 8 इंच तक का ही इनका सिर का साइज होता है और ये बच्चे भी मंदबुद्धि होते हैं। तो ये मानसिक मंदता, सिर का साइज छोटा हो जाना, इसको बोलते हैं माइक्रोसेफेली। बोलो क्या बोलते हैं? माइक्रोसेफेली। बोलो क्या बोलते हैं? चौड़े चौड़े चपटे चपटे माथे हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म। बोलो क्या बोलते हैं? और सिर का साइज सामान्य से छोटा होता है, मैक्सिमम 8 इंच तक का ही होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसेफेली। ऐसे बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। और इसके जस्ट विपरीत, जब सिर का साइज और बड़ा हो जाए, फिर आगे के लिए जब सिर का साइज और बड़ा हो जाए 32 इंच से भी ज्यादा सिर का साइज हो जाए, 32 इंच से भी ज्यादा सिर का साइज हो जाए, तो इस मानसिक मंदता को बोला जाता है हाइड्रोसेफेली। बोलो क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेफेली। बोलो क्या बोलते हैं? अब देखो इसकी सिर का साइज कितना बड़ा है, ये भी एक मानसिक मंदता है। सिर का साइज सामान्य से बिल्कुल छोटा होना माइक्रोसेफेली, सिर का साइज सामान्य से इतना बड़ा, 32 इंच की टीवी आती है, टीवी इतना बड़ा, देखो कंपेरेटिवली इतना बड़ा सिर का साइज हो जाता है, ये भी मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक के लक्षण है। तो ये 4 प्रकार की मानसिक मंदता मुख्य रूप से पाई जाती है, मंगोलिज्म, क्रेटिनिज्म, माइक्रोसेफेली और हाइड्रोसेफेली। सिर का साइज लार्ज हो जाता है 32 इंच तक का, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोसेफेली। सिर का साइज छोटा रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोसेफेली। चौड़े चौड़े चपटे चपटे माथे होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मंगोलिज्म। और हाइट 2.5 फीट तक की बढ़े और वो भी मानसिक रूप से मंदबुद्धि हो तो उसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। बोलो क्या बोलते हैं? ऐसे बच्चों के साथ आप कितनी कोशिश कर लो, इनका मानसिक विकास मैक्सिमम 8 से 10 साल के बच्चे जितना होता है, इससे ज्यादा इनका मानसिक विकास नहीं हो सकता और इनकी बुद्धि लब्धि का प्रसार होता है। 0 से 25 जड़ है तो जड़ को जनरली जीवित ही नहीं रहता। अगर 0 से 25 वाला जड़ कैटेगरी का है तो उसको जन्म के तुरंत बाद या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ समय बाद में मर जाता है तो वो तो जीवित ही नहीं रहता। 25 से 50 वाला वो फिर पागलों की तरह घूमता है। 50 से ऊपर वाला जिसकी बुद्धि लब्धि प्रसार है 89 तक, उनको थोड़ा थोड़ा जैसे क्लास में बढ़ा दिया, किसी को 1 कक्षा तक का ज्ञान दे दिया, और जो 89 वाला उनको आप 5वीं 6वीं तक का ज्ञान दे सकते हैं, बुद्धि लब्धि प्रसार कम होता है। नीचे के 2 तो बिल्कुल ही बेकार होते हैं, समझ लो आप 25 तक वाले और 25 के ऊपर 50 वाले, देखो पढ़िए ना अपन ने, वो नीचे के 2 तो शिक्षणीय वर्ग ही नहीं होते, उनको तो आप कुछ पढ़ा ही नहीं सकते। एक कैटेगरी तो जीवित रहने की संभावना ही 1% ही होती है, 99% तो जन्म के बाद ही एक्सपायर हो जाते हैं 0 से 25 वाले, और 26 से 50 वाले जन्म ले भी लेते हैं तो कागज घूमते हैं सड़कों पर, वो सवास नहीं होता, कपड़े पहने नहीं पहने,
कोई उनको पता नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। तो ये दो तो शिक्षणीय वर्ग होते नहीं है, पढ़ाने लायक होते नहीं, खुद क्लास में बैठा के आप बाल बनाने के नहीं चिपकवा सकते। जो ऊपर की बात करें 51 वाले, जिनकी बुद्धि लगभग 51 से लेकर के 89 तक है, उनको थोड़ा 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 सिखाया जा सकता है, लेकिन उनको भी मैक्सिमम आप 5वीं कक्षा तक का ज्ञान दे सकते हैं। जो 89 की रेंज तक पहुंच रहा है उसको भी आप मैक्सिमम 8 से 10 वर्ष के बालक की जितना ज्ञान दे सकते हैं। और मंदबुद्धि, क्योंकि बुद्धि जन्मजात होती है, तो अगर बाय बर्थ ये रोग लेकर के उत्पन्न हो रहा है बच्चा, तो आप कितना ही इलाज करा लो इसका समाधान नहीं हो सकता। वो धीरे धीरे और ज्यादा मंदबुद्धि होएगा, मंदबुद्धि तो सही नहीं होगी उसकी, और ज्यादा मंदबुद्धि होएगा। हमारे पड़ोस में शहर वाले कानपुर पड़ोस में एक लड़का था,